सो फाइनली नोकिया 8.1 की प्राइस, स्पेक्स और लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। एंड इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे लीक्स देखे थे नोकिया 8.1 से रिलेटेड, लेकिन अब यह फाइनली कंफर्म हो चुकी है। सो हे गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेकी लेंस। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा नोकिया 8.1 की स्पेक्स, प्राइस और रिलीज डेट के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो @techylens, क्योंकि मैं हमेशा अपडेटेड रहता हूँ इंस्टाग्राम में, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ वहाँ पर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे वहाँ पर कर सकते हो, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड दैट्स बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। नोकिया 7.1 प्लस के बारे में तो आप सुन ही चुके होंगे, लेकिन अब यही स्मार्टफोन इंडिया में नोकिया 8.1 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। बट आज इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के साथ साथ इसकी प्राइस और स्पेक्स भी लीक हो चुकी है। एंड ये वही डिवाइस है जो चाइना में नोकिया X7 के नाम से लॉन्च किया गया था। 91 मोबाइल्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नोकिया 8.1 इंडिया में 28 नवंबर को लॉन्च होने वाला है। हालांकि कंपनी की तरफ से प्रेस इनवाइट्स अभी आने बाकी है। एंड नोकिया X7 जो कि नोकिया 8.1 का ग्लोबल वर्जन है, बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। लुक्स के बारे में बात करें तो मेरे को यहाँ कुछ खास डिफरेंट नहीं लगी रिसेंट नोकिया फ़ोन से, लाइक नोकिया 5.1 प्लस, नोकिया 6.1 प्लस एंड जितने भी है। आपको फ़ोन के दोनों तरफ ग्लास बॉडी देखने को मिलती है और फ्रंट में आपको मिलती है 6.18 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले एक बड़ी सी नॉच के साथ। पता नहीं नोकिया ने यहाँ पर इतना बड़ा नॉच क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं है लाइक फेस अनलॉक वगैरह के लिए, बस यूं ही इतना बड़ा नॉच दे दिया है। सो आप इसे आईफोन की कॉपी बोल सकते हो। और नीचे भी आपको एक बड़ी सी चिन देखने को मिलती है। सो हाँ यार, ये नॉच और चिन काफ़ी बड़ी है दूसरे फ़ोन से आप कंपेयर करें तो। कैमरा के बारे में बात करें तो ये फ़ोन में आपको मिलेगा 13+12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा। 13 मेगापिक्सल इसका प्राइमरी लेंस होगा और 12 मेगापिक्सल इसका सेकेंडरी लेंस होगा। और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। और यार मुझे तो स्पेक्स देख के यही लग रहा है इस फ़ोन की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी काफ़ी तगड़ी होने वाली है। और ये फ़ोन आता है ब्रांड न्यू प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 के साथ, जो कि काफ़ी नई प्रोसेसर है मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए। एंड इसमें आपको एड्रीनो का 616 GPU देखने को मिलेगा। स्टोरेज वेरिएंट के बारे में बात करें तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, 4GB, 64GB, 6GB, 64GB और 6GB, 128GB। लेकिन ग्लोबल वेरिएंट में आपको कौन सा स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। ये फ़ोन आता है 3500 mAh बैटरी के साथ और ये 18W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये एंड्रॉयड 1 बेस्ड फ़ोन है। सो आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आपको एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये एंड्रॉयड 1 फ़ोन है सो आपको अपडेट्स के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर दोनों फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक मिल जाते हैं और बाकी सेंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो इतना ही था इस फ़ोन के बारे में। अब फाइनल मुद्दे में आते हैं, इस फ़ोन की प्राइस होने वाली है 23,999 रुपये, मतलब कि 24,000 वो 1 रुपये बस आपको पोपट बनाने के लिए कम करी गई है। और मैं सीधे सीधे कहूँ तो मेरे को ये फ़ोन ओवर प्राइस लगी, लेकिन इसकी स्पेक्स मेरे को काफ़ी तगड़ी लगी। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये फ़ोन कैसी लगी, लाइक इसकी स्पेक्स आपको कैसी लगी और इसकी प्राइस आप क्या कहते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना हो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.